दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 46वां दिन, 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुटे किसान। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी, वहीं 15 जनवरी को सरकार के साथ 10वें दौर की बैठक। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के एक और किसान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जहर खाने के बाद तबियत बिगड़ते हुए देख साथियों ने किसान को सोनीपत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने किसानों के आंदोलन की वजह से गाजीपुर और जिला बॉर्डर के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आनंद विहार, डीएनडी, भोपुर और लौनी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश किया जा सकता है। कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देने को लेकर सीएम मनोहर लाल घरौंडा में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम किसानों से संवाद भी करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने यह कहा कि किसानों को लेकर 15 तारीख को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी और राज्यपाल से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ढांसा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने का समर्थन करने पहुंची। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री को किसानों के पास आकर बातचीत करनी चाहिए। किसानों के समर्थन में इनेलो नेता अभय चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों की खिलाफत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। अभय ने केंद्र सरकार को जनविरोधी सरकार करार दिया। पलवल के एनएच 19 पर गांव अटोहा के पास धरने पर बैठे किसानों ने हाईवे स्थित तुमसरा टोल टैक्स को फ्री कराया। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। फरीदाबाद के सीही गांव में राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अश्लील डांस का मामला सामने आया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर मुख्य अतिथि थे। कैथल में बर्ड फ्लू का असर पोल्ट्री फार्म और हैचरी फार्म के धंधे पर साफ देखने को मिल रहा है। चूजों के दाम में गिरावट देखने को मिली। पंचकुला में हुई 55 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस की एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली। मामले के गुत्थे सुलझाते हुए एसआईटी ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और ड्राइवर समेत 3 लोग शामिल थे, जिन्होंने पीड़ित से 55 लाख रुपए छीने थे। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। अमीन रोड पर एक रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों की फायरिंग का मामला आया सामने। फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुरुग्राम पुलिस ने दहशत फैलाने के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 5ों पर करीब 1 महीने पहले बमडौली गांव में गोली चलाकर दहशत फैलाने का आरोप है। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर 56 के गौरव अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने गर्भपात करते हुए स्टाफ नर्स को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन वो भागने में कामयाब रही। पंचकुला के रामगढ़ के पास में उस वक्त चीखों पुकार मच गई जब आवारा पशु को बचाते हुए एक एक्टिवा स्कूटी डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में मौके पर एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। भादस शिखरावा रोड के किनारे बाइक खड़ी कर बात कर रहे लोगों को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। हादसे में 2 की मौत, वहीं 2 बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। बच्चों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। दुनिया में 9 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस, 19,34,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 2,36,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 2,26,99,000 से ज्यादा कोरोना केस, 3,81,480 कोरोना मरीजों की मौत, 89,85,380 एक्टिव केस। देश में 18,820 नए संक्रमित केस, 19,460 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 213 मरीजों की मौत, कुल केस 1,04,51,000 के पार, 2,20,591 एक्टिव मरीज। महाराष्ट्र में 3,581 नए संक्रमित केस, 2,401 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 57 मरीजों की मौत, कुल केस 19,65,000 के पार, 52,960 एक्टिव मरीज। राजधानी दिल्ली में 519 नए संक्रमित केस, 603 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत, कुल केस 6,29,000 के पार।
यूपी में 1286 नए संक्रमित केस, 1000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत, कुल केस 5,93,000 के करीब, 11,422 एक्टिव मरीज। राजस्थान में 430 नए संक्रमित केस, 1000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत, कुल केस 3,12,000 के पार, करीब 7,000 एक्टिव मरीज। हरियाणा में 279 नए संक्रमित केस, 211 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत, कुल केस 2,64,000 के पार, 2,563 एक्टिव मरीज। भारत में 16 जनवरी से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। एसोसिएट स्पॉन्सर मुल्तानी कुका कप सिरप, ताकि बदलते मौसम के